नमस्कार। टाइम बैंक खुल चुका है देश में। ये टाइम बैंक एक ऐसा बैंक है जहां सिर्फ मेंबरशिप ले लेने से सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, और ये मेंबरशिप भी मुफ्त है, फ्री है। मेरे ख्याल में टाइम के हिसाब से इट इज नीड ऑफ द आवर। ये कंसेप्ट इसलिए लागू किया गया है कि कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनका इतना बड़ा सर्कल नहीं है, जिनको समय नहीं मिलता है, और उनको इस तरह से टाइम बाद में मिल सकता है। अब जो समस्या है वो समय की है, तो मैं तो ये प्रार्थना करूंगा कि अगर मैं एक स्थिति में हूँ तो सिर्फ क्रेडिट ही क्रेडिट हो, डेबिट की जरूरत ना पड़े। मेंबर्स एयर फ्रेंड्स एवरीवेयर। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है उनके लिए जो सीनियर सिटीजन है। ये कैसा बैंक है भाई? जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं ये टाइम बैंक मनी बैंक नहीं है। ये टाइम बैंक कोई ब्लड बैंक नहीं है। ये टाइम बैंक जिंदगी का बैंक है। आप यहां जितना इन्वेस्ट करते हैं उतनी जिंदगी आपकी बढ़ती है। आम बैंकों में आप रुपया जमा करते हैं, इंटरेस्ट बनता है और रुपया जमा होता चला जाता है। इस टाइम बैंक में आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आपकी जिंदगी का टाइम बढ़ता चला जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान जैसे देश में ये टाइम बैंक का खुलना एक बहुत ही नयाब चीज़ है। हम रिटायर होने के बाद में हम चाहते हैं कि हम अपने समय का कुछ सदुपयोग करें, किसी कंस्ट्रक्टिव काम में हम उसका समय को लगा सकें। कुछ साथी कहीं पे कोई जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी दो चार साल चलती है, उसके बाद में वो भी नहीं रहती है, या कुछ लोग कंटिन्यू करते हैं, कुछ बच्चों के बिजनेस का साथ एसोसिएट है। यानी कि हमने कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम अपना यूजफुल समय इस्तेमाल करें, क्योंकि घर में अगर हम खाली बैठे रहते हैं तो हम अपने आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। सुबह से नहाने का पता नहीं, कब शेव बनेगी, कब क्या होगा, और जाना है तो एक रूटीन बना रहता है। तो एक तो हमारे समय का सदुपयोग होता है, एक ये हमें संतुष्टि होती है कि हमने कुछ किया, कुछ लोगों के लिए भला किया, किसी की सेवा की, तो हमें अपने आप में संतुष्टि मिलती है। तीसरी चीज़, उस एज पे हम सब पहुंचेंगे जब 75 80 या किसी भी ऐसी एज में जब हमारा भी मूवमेंट कम हो जाएगा। जब तक हमारा मूवमेंट है, जब तक सब पूछ रहे हैं, जब हमारा मूवमेंट बंद हो जाएगा तो हमें कोई पूछेगा भी नहीं। तो हम जब ऐसी स्थिति में आएंगे तो हमने आज जो संचित कर लिया समय, वो समय हमें वापस कोई ना कोई दे देगा। आपको पता है कि आपके पास सारी सुविधाएँ होती हैं लेकिन लोग नहीं होते। आपका परिवार छोटा है, साथ नहीं होता। आप बिहार से हैं तो आपके बच्चे हो सकता है कि लुधियाना में, मुंबई में काम करते हो। आप लुधियाना से हैं तो हो सकता है आपके बच्चे इंग्लैंड अमेरिका में काम करते हों। आप दिल्ली में हो तो हो सकता है आपके बच्चे बेंगलोर में काम करते हों, आपके साथ नहीं रहते हों। लेकिन ये टाइम बैंक एक ऐसा परिवार बनाने जा रहा है, एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहा है जिसमें कि उसके सारे सदस्य एक फैमिली होते हैं और जरूरत के वक्त आपके साथ खड़े होते हैं। इस कंसेप्ट के तहत हम जो अपना अतिरिक्त समय है, जो हमारे पास आज समय है, अगर हम दूसरे की सेवा करते हैं तो वो सेवा के बदले में जितना समय हमने उनके साथ गुजार लिया उतना समय हमारे पास में जुड़ जाएगा वो, ताकि हमें जब जरूरत पड़े तो उतना समय हमें भी मिल जाए। ये बेसिकली टाइम बैंक का कंसेप्ट है। देखिए, आप इंश्योरेंस करते हैं, कहते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी इंश्योरेंस। मरने के बाद आपके जो साथ हैं, जो आपके नॉमिनीज हैं, जो आपके आने वाले नस्लों के बच्चे हैं, उन्हें सुरक्षा देती है। आप जो पैसे जमा करते हैं उसमें कई गुना फोल्ड होकर के वो देता है। खुद की सुरक्षा के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए आप मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं। जनाब, सब में रुपयों का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये टाइम बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें वक्त का इन्वेस्टमेंट है। आप अपना कीमती समय देते हैं और कीमती समय उसे देते हैं जिसको जरूरत होती है, और वो समय आपका काउंट होता है, वो समय आपका उस वक्त काम आता है जब आपको जरूरत होती है। वो समय नहीं है, वो लोग हैं, वो आपका परिवार है, वो आपका साथ है, जो आपके साथ चलते हैं, जो आपका साथ देते हैं, और उस वक्त साथ देते हैं जब आपको सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। बच्चे एक हैं या दो हैं और वो भी आजकल वैश्वीकरण के कारण पढ़ लिख कर बाहर चले जाते हैं तो माता पिता अकेले रह जाते हैं। अब उस अकेलेपन को दूर करने के लिए उनको कोई सहारे की आवश्यकता है। जब वो अधिक उम्र में हो जाते हैं तो वो घर पर रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, कहीं जा नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते,
तो ऐसे लोगों की अगर हम सेवा करते हैं तो बदले में, सेवा के बदले में हमें समय का लाभ मिलता है, समय जमा हो जाता है, जितना समय दिया उतना हमारा जमा हो गया और हमें जब ऐसी स्थिति में आएंगे तो हमें भी समय मिल जाएगा। बेसिकली एक सोशल, एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट है जिसके तहत हम अपने मित्रों का दायरा इतना बढ़ा लेते हैं कि हमें किसी की आवश्यकता, औरों की आवश्यकता नहीं पड़े, हमारे मित्र ही हमारे परिवार बन जाते हैं और वो हमारा एक धुरी बन जाती है। टाइम बैंक का मेंबर बनना ही सबसे बड़ी बात है। अब बस मेंबर बन जाते हैं और एक परिवार आपको मिल जाता है, आपको पता चलता है कि आपकी जरूरत किसको है और किसे आपकी जरूरत है। ये टाइम बैंक जो है वो जीने का रास्ता है। तो अप्रैल 2019 में इसको राजस्थान में जयपुर में रजिस्ट्रेशन करा के इसको प्रारंभ कर दिया था। मुझे आश्चर्य हुआ ये देखकर कि अभी अगस्त में मध्य प्रदेश सरकार ने खुद ने अपने स्तर पर टाइम बैंक बनाने की घोषणा की है। अब वो प्रोसेस में है, बनाने की प्रक्रिया उनकी चल रही है, जबकि हम पहले बना चुके हैं। तो इसलिए मेरा दावा है कि राजस्थान पूरे भारत का पहला टाइम बैंक है। टाइम बैंक में सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि हर कोई मेंबर बन जाएगा, हर कोई मेंबर बन सकता है लेकिन थोड़ी सी जांच पड़ताल के बाद। जब आप साथ मिलते हैं, जब आप साथ जुड़ते हैं, जब आप एक होते हैं, जब एक दूसरे को जानते हैं तो ये टाइम बैंक बनता है। सुरक्षा तो बहुत जरूरी है ना, बुजुर्गों की, आपकी, हमारी, सबकी, हम किसी से तो मदद नहीं ले सकते, इसलिए टाइम बैंक ने अपने कुछ नियम, अपने कुछ कानून बनाए हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप टाइम बैंक से जुड़ते हैं तो आपको खर्चे करने पड़ते हैं, मेंबरशिप का कोई कॉस्ट नहीं है, नहीं सेवा करने का, नहीं सेवा लेने का, ये सब कुछ टाइम है, ये समय है जो आप देते हैं और आपके लिए वो टाइम सुरक्षित होता है और उस वक्त काम आता है जब आपको इसकी ज़रूरत होती है। एक पैसे का लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि इसमें रजिस्ट्रेशन करना है वो भी बिल्कुल फ्री है, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। हाँ, जहाँ आपको सेवा के लिए जाना है उसका आने जाने का अगर कोई खर्चा होता है तो उतना आपको खर्चा करना है, और वो भी दायरा सीमित किया हुआ है हमने पिन कोड एरिया के तक, पिन कोड एरिया से बाहर हमें जाना नहीं है, इसलिए उतना जो 5-6 किलोमीटर का दायरा होता है उतने जाने आने में कोई बहुत ज़्यादा खर्चा होने की संभावना नहीं है और ना उतना खर्चा करना है। जनाब, जब आपको लोगों की ज़रूरत होती है तो लोगों का होना कितना ज़रूरी होता है आप समझ सकते हैं। आप 2 के परिवार में हैं, आप 4 के परिवार में हैं, आप 10 के परिवार में हैं, जब टाइम बैंक का हिस्सा बनते हैं तो आप लाखों के परिवार में होते हैं, आपके परिवार में लाखों सदस्य होते हैं जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ये पूरे भारत में पिन कोड एरिया के हिसाब से है, तो हर पिन कोड एरिया में 1 या 2 या 3 एडमिन हो सकते हैं जो नॉन रेमुनरेटिव पोस्ट होगी, उसमें कोई वेतन नहीं है, निस्वार्थ रूप से जो मेंबर है वही एडमिन का रूप धारण कर सकते हैं और उस एरिया में गतिविधि संचालित कर सकते हैं। तो जो पोस्टल पिन कोड है उसके हिसाब से इसको बांटा गया है, इसलिए न इसमें कहीं ऑफिस की जरूरत पड़ेगी, न कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, न किसी प्रकार के खर्चे की जरूरत पड़ेगी, न किसी प्रकार के इनकम करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, लोग टाइम बैंक से किस लिए जुड़े? सेवा का काम है, एक सिस्टम बना है कि चलिए भाई डेबिट क्रेडिट होगा, अन्यथा ऐसा कोई बार नहीं है, कोई ना कोई तो पहले होगा जो डेबिट होगा। और जितने जुड़ रहे हैं या जुड़ते हैं उनका ज़्यादातर का ये मानना है कि हमें जरूरत नहीं है, हमें आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी, भगवान ना करे जरूरत पड़े, हम तो करना चाहते हैं। तो इसका मतलब देने वाले ज़्यादा हैं, लेने वाले कम हैं, तो उसमें कोई डेबिट क्रेडिट में कोई नुकसान नहीं है। हमारे टारगेट ग्रुप में केवल बुजुर्ग ही हैं, दोनों तरह के बुजुर्ग, जिनको सेवा लेनी है, जिनको सेवा देनी है। हाँ, जो यूथ अगर जुड़ना चाहते हैं, जिनके पास समय है, ट्रस्टवर्दी हैं, अगर कोई ऐसे मिलते हैं तो हमें उन्हें जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे टारगेट ग्रुप में वो नहीं है, यूथ नहीं है। तो जैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक ऐसी चीज़ शुरू की है जो इस देश की ज़रूरत थी, है और रहेगी, और ये बृहद होगा, बड़ा होता चला जाएगा, एक ह्यूमन कॉज है और इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप सब आइए और इस टाइम बैंक का मेंबर बनिए, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, कोई शर्तें नहीं हैं, बस भावनाएं चाहिए, एक आपको डेबिट क्रेडिट जो है, आपका टाइम है, आपकी सेवा है, आप जितना सेवा करते हैं और आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है और आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उतनी सेवा मिलेगी। जय हिंद।